नमस्कार, मैं आशीष और आप सभी का स्वागत है एससीएन न्यूज में। भारतीय सेना के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। जनरल बिपिन रावत आज देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट स्टाफ का पद संभालेंगे। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने भारतीय थल सेना के 28वें प्रमुख का कार्यभार संभालेंगे। जनरल बिपिन रावत और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद दोनों साउथ ब्लॉक जाएंगे, जहां वे सेना की परेड की सलामी लेंगे। जनरल रावत 1 जनवरी 2020 को CDS का पद संभालेंगे। भारत के मौजूदा सेना जनरल बिपिन रावत को सोमवार को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट स्टाफ से नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना के पहले CDS बनने पर जनरल बिपिन रावत को अमेरिका ने बधाई दी है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने ट्वीट कर रावत को CDS बनाए जाने पर शुभकामनाएं दी है। बता दें कि रावत इस दिसंबर को थल सेना पद से रिटायर हो रहे हैं। वे 1 जनवरी को CDS का कार्यभार संभालेंगे। ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया अफेयर्स US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्त होने पर बिपिन रावत को बधाई। यह पद भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच बेहतर संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बता दें कि CDS का काम सेना, नौसेना और वायुसेना के कामकाज में बेहतर तालमेल बनाने का होता है। सरकारी आदेश के मुताबिक CDS के पद पर जनरल रावत की नियुक्ति 31 दिसंबर से प्रभावी होगी। जनरल रावत ने 31 दिसंबर 2016 को सेना प्रमुख का पद संभाला था। वह मंगलवार को सेनावृत्त हो रहे थे। सेना प्रमुख बनने से पहले उन्होंने पाकिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा, चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा और पूर्वोत्तर में विविध संचालक जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं। CDS एक 4 सितारा जनरल की हैसियत से आर्मी, नेवी और वायुसेना के साझा मुखिया होगा। हालांकि तीनों सेना के अलग प्रमुख होंगे, उनका दर्जा भी 4 सितारा होगा। CDS के रूप में जनरल रावत सरकार के सैन्य सलाहकार होंगे और उसे महत्वपूर्ण रक्षा और राजनीतिक सलाह देंगे। तीनों सेनाओं के लिए दीर्घकालीन रक्षा योजनाएं, रक्षा खरीद, प्रशिक्षण और परिवहन के लिए प्रभावी सैन्यवृत्त कार्य करेंगे। खतरों और भविष्य में युद्ध की आशंकाओं के मद्देनजर तीनों सेनाओं में आपसी असमंजस और मजबूत नेटवर्क बनाने का जिम्मेदार संभालेगा CDS। सेना के संसाधनों को बेहतर उपयोग के लिए योजना बनाएंगे, साथ ही सेवा से जुड़ी अहम प्रतिक्रिया को आसान और व्यवस्थित बनाने की भूमिका निभाएंगे। CDS के रूप में जनरल रावत के सामने तीनों सेनाओं की साझी सोच विकसित करने की चुनौती होगी। CDS बनने की चर्चा 2 दशक पहले शुरू हो गई थी। 1999 में कारगिल युद्ध के बाद के सुब्रमण्यम समिति ने उच्च सेना सुधारों की अनुशासन करते हुए CDS की बात कही थी। हालांकि तब राजनीतिक असहमति के कारण ये बात आगे नहीं बढ़ पाई। फिर 2012 में नरेश चंद्रशेखर समिति ने इस पर मुद्दा उठाया था। बहरहाल अब देखना यह होगा कि जनरल रावत की नियुक्ति होने के बाद वो कैसे अपने कार्यभार को संभालते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं आशीष झा, SCN News। धन्यवाद।